लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे की वाणिज्य कार्यालय अधीक्षक और वर्तमान में जनसंपर्क अनुभाग में कार्यरत शिवानी कुकरेता पर होने वाले अन्याय थमने का नाम नहीं ले रहे। आपको बताते चले कि 19 फरवरी 2019 को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवानंद यादव ने शिवानी कुकरेती से अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत उन्होंने रेल मंडल अधिकारी से लिखित रूप में की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोषी ठहरा करके एक पक्षीय प्रिजुडिस होकर के उन्होंने निर्णय लिया हमारे प्रशासन ने और मुझे सजा दे दी। मैं जहाँ थी मेरे पद से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया, वो भी क्योंकि आचार संहिता लगी थी। उन लोग की मंशा थी कि मुझको लखनऊ स्टेशन से हटाकर कहीं और दिया जाए, और उसके बाद मनगढ़ंत फाइल में इन्होंने मनगढ़ंत चार्ज लगा के मुझे चार्जशीट भी दी गई ताकि मेरा पूरा का पूरा मनोबल गिर जाए और मैं इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सकूं। तो कहाँ कहाँ अभी तक आपने आवाज़ उठाई? मैंने जो है अपने जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं उनके यहाँ दिया, मैंने जीएम को दिया। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ? और उसके बाद मैंने एडवा को दिया, हम सफर को दिया, मेरी जो महिला संगठन है महिला आयोग को दिया, मैंने अपने नेता जो हैं पूर्वोत्तर रेलवे में कांग्रेस के जो महामंत्री हैं उनको दिया, ममता जी को दिया, और हमारी बैंक की जो रिटायर सबको, जितनी महिला संगठन है मैंने कोशिश की कि मैं उनके साथ उनको ये सब बताऊँ कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। और जब इसकी FIR भी जब हुई है, जब मेरे अत्यधिक प्रताड़ना बढ़ गई, मेरी एक्सीडेंट भी हो गई, उसके बाद मैंने FIR की। मैं तो हमेशा जो है प्रशासन को बर्दाश्त करती रही, उनका ट्रांसफ़र भी स्वीकार कर लिया, मैंने उनका जो है चार्जशीट भी स्वीकार कर ली, लेकिन ये उनको एक क्षेत्र मिल गया कि इसको जितने से जितना प्रताड़ित किया जाए, अगर ये दब जाएगी तो यहाँ महिला का उत्पीड़न हम अपने मनमानी तरीके से कर सकते। तो आज कितने संगठन आपके साथ हैं? मेरे साथ इस समय 5-6 संगठन हैं, लेकिन वक्त आने पर ये संगठन मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ और भी लोग जुड़ जाएंगे। और बाकी आप मधु मैडम से पूछिए, वो बताएंगी आगे। मैडम अपने